रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक करोड़पति रहता था। उसकी पत्नी का नाम अनामिका। अनामिका बहुत ही बुद्धिमती थी। अनामिका अपनी सासू माँ की हर बात मानती थी। बचपन में ही अनामिका की माँ चल बसी थी, इसीलिए वो अपनी नानी वसंती के हाथों में ही पली बड़ी थी। बचपन से ही अनामिका गरीबी से बहुत जूझी। तभी रमेश उसे पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है। अब अनामिका अमीर है। इस बात से सासू माँ को बड़ी जलन होती है। बेचारी अनामिका को देखकर शारदा चिढ़ती रहती है। तभी एक दिन, अनामिका अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तैयार रहना, हम बाहर चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है जी। अरे देखो, घर में इतना कुछ है खाने के लिए, फिर भी बाहर खाने की क्या जरूरत है बताओ? माँ, अगर मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बताओ? मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहता हूँ, उसे कभी बाहर नहीं ले जा पाता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा उसे आज बाहर ले जाऊंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। रमेश के ऑफिस चले जाने के बाद शारदा अनामिका को देखकर बड़बड़ाने लगती है। शारदा के बेटे ने उसकी बहू अनामिका को बाहर ले जाने की बात की थी, इसीलिए शारदा दुखी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सासू माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? एक काम करो, थोड़ा जहर ला दो, तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्यों सासू माँ, आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? मैंने बस पूछा चाय चाहिए या कॉफी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। इसमें क्या है, मैं तो ऐसी ही बातें करती हूँ, तुम्हें इसमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? आजकल आप अपनी ऐसी चुभन भरी बातों से बहुत परेशान कर रही है। मेरा बहू बन के आना आपको पसंद नहीं था। आपकी ऐसी चुभन भरी बातों से मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हें मेरी बातें चुभ रही है, पर ये पूरे गांव वालों की बातें मुझे कितनी चुभ रही है तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी बहू ऐसी है वैसी है, ये सारी बातें सुन सुन के मेरा सर घूमता है, मैं गांव में कहीं निकल तक नहीं सकती हूँ, समझी? क्या हो गया सासू माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हर बहू ससुराल में कुछ ना कुछ ले आती है, वो दहेज घर की जरूरत की चीजें होती है, उससे बड़ी बात पूरा शरीर गहने से लदा होता है, पर तुम इस घर में एक साधारण साड़ी गंदा चेहरा लेकर आई थी, मेरा सम्मान मिट्टी में मिल गया था। गरीबी में पैदा लेना क्या मेरी भूल है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, मैंने ही अपने बेटे को गलत संस्कार दिया, जब वो गलती कर रहा था तब भी मैं कुछ कह नहीं पाई, दुखी होने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपको अपनी माँ जैसा समझती थी, पर आपके मन में मेरे लिए बस घृणा ही घृणा है। ऐसा कहकर अनामिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। शारदा भी अपनी बहू की ऐसी बातें सुन के आग बगुला हो जाती है। सासू माँ अपनी बहू को खड़ी खोटी बातें सुना सुना के परेशान कर दी थी, पर अनामिका अपने पति को इस बारे में कभी नहीं बताए, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन निकल जाते हैं, तभी एक दिन रमेश कहता है, अनामिका क्या हो गया तुम्हें? आजकल मैं तुम्हें देख रहा हूँ थोड़ा अलग अलग दिख रही हो, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है? तुम दुखी क्यों हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ी नानी याद आ रही है, मैं चाहती हूँ एक बार जाके उनसे मैं मिलाऊं। अच्छा तो तुम इसलिए दुखी हो, फिर तुम कल ही चली जाओ ना, जाके वहाँ पे कुछ दिन रह कर आओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इस तरह दुखी दुखी शांत नहीं। अनामिका अपने मायके चले जाती है, वहाँ उसकी नानी बसंती अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा अनामिका, मेरी सोने की गुड़िया कैसी हो, इतने दिनों के बाद अब तुम्हें मेरी याद आई। नानी, मैं अच्छी हूँ नानी, माफ कर दीजिए मुझे, मैं इतने दिनों से नहीं आ पाई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो समय पे? तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रही है क्या? देख के लग रहा है बहुत दुखी हो, क्या हुआ बताओ मुझे। बसंती के पूछते ही अनामिका रोने लगती है फूट फूट के। अपनी सारी तकलीफें वो अपनी दादी माँ को खुल के बताती है, किस तरह उसकी सासू माँ उसे तकलीफ पहुँचा रही है अपनी कटु शब्दों से। ये सब सुन के बसंती को बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार अपनी माँ की समाधि पर जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब संभल जाएगा। मैं बोलना भूल गई थी, कुछ दिन पहले जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मुझे तुम्हारी माँ के कुछ सामान मिले,
मैंने वो चीज तुम्हारे लिए संभाल के रखी है। रुको, मैं अभी ले आती हूँ, एक मिनट। बसंती जाके अनामिका की माँ का सारा सामान ले आती है। उसमें एक कंघी था। उस कंघी को देखकर अनामिका फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरी माँ की कंघी है, कल से मैं इस कंघी का इस्तेमाल करूँगी। कल ही माँ की समाधि पर जा सकते हैं क्या? कल क्यों बेटा, चलो आज ही चलते हैं। बसंती और अनामिका कब्र के पास जाती हैं। अनामिका अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगती है। बसंती अनामिका को संतावना देती है। फिर उस कंघी को वो कब्र के ऊपर रखती है और अनामिका अपनी माँ से आशीर्वाद मांगती है। कुछ देर समाधि के पास रहने के बाद वो अपनी ससुराल वापस चली जाती है। शारदा की बातें उसके मन में कांटे जैसे चुभ रहे थे। हो गया तुम्हारा घूमना, अब बता ही दो और कहाँ बाकी रह गया? क्या सासुमा, मैं अपनी माँ की समाधि के पास गई थी, और मैं कहाँ जाऊँगी बताइए? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ कहती हूँ तो उसका उल्टा ही समझती हूँ। जाओ अपना काम करो जाके। हाँ, सासुमा की ऐसी बातें सुन के अनामिका दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। नहाने के बाद वो अपने बालों को उसी कंघी से झाड़ती है। जब अनामिका अपनी माँ की कंघी से बाल झाड़ रही थी, बाल झाड़ने के दौरान उसके सर से कुछ बाल झड़के गिरते हैं। जो बाल गिरे थे वो सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो समझ जाती है ये एक मायावी कंघी है। फिर वो संभाल के उस कंघी को अलमीरा में रख देती है। अपने काम में लग गई। फिर वो, उसे साड़ी की जरूरत पड़ी इसीलिए उसने अलमारी खोला। वो देखती है कि पूरा अलमारी सोने की चीजों से भरा है। ये देखकर आश्चर्य हो जाती है वो। बहू क्या कर रही है इतनी देर से अपने कमरे में, ये देखने के लिए शारदा ठीक उसी वक्त उसके कमरे में जाती है। सोने से भरा हुआ अलमारी देखकर वो भी आश्चर्य हो जाती है। उसे लगता है कि बहू ये लेकर आई है। ये सोचकर वो उत्साहित हो जाती है। अरे बाप रे, इतने जेवर! मुझे पता था अनामिका तुम मेरी सोने की बहू हो। इतने सारे चीजें लाके तुमने बहुत अच्छा किया है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। इतने तोहफे तुम ले आई हो, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सर उठा के गाँव में घूमूंगी। शारदा बहुत खुश होती है। अनामिका अपनी सासू माँ की खुशी देखकर वो भी खुश होती है। उस दिन से बिना किसी परेशानी के सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान और स्नेह करते थे। शारदा का बेटा रमेश एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता था। वो हर दिन रात उस एटीएम पर चौकीदार बना रहता था। क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब था, उनके वेतन से उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करना पर्याप्त नहीं था। वो उसी छोटी सी रकम से एडजस्ट कर रहे थे। तभी एक दिन अनामिका कहती है, सासुमा हमारे पड़ोसी पार्वती को देखा, उसके पति ने उसे कमर बंद गिफ्ट किया है। वो तो बहुत गरीब थे हमारे ही तरह, पर अचानक से उन्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? वो इसलिए क्योंकि पार्वती के पति बहुत दिन पहले एक जमीन खरीदे थे। जमीन का अच्छा भाव मिल रहा था तो उसे बेच दिया। उसी पैसे से अब वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उस समय पार्वती के पति थोड़े थोड़े करके पैसे बचा के उस जमीन को खरीदा था। देखिए वो जमीन आज उन्हें कितना मुनाफा दिलवाया। आपका बेटा भी है लेकिन बेकार के है, एटीएम में चौकीदार का काम कर रहे हैं, किसी भी तरफ से कोई फायदा नहीं। अब हम क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। हम क्या कर सकते हैं बोलो? मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे दांत बाहर आ गए हैं, कितने दिन हो गए मीट का एक टुकड़ा खाए हुए। पता नहीं कब अच्छा स्वादिष्ट भोजन चख भी पाऊंगी। छी छी, क्यों सासुमा, इतनी बत्तर जिंदगी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कल सुबह जब वो घर आएगा तब उससे साफ साफ मैं पूछूंगी। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमें कुछ करना होगा, इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। तो सोचिए सासुमा, सोचिए। शारदा अनामिका इस तरह दुखी होकर बातें कर रही थी। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश घर लौट आता है। रमेश आते ही शारदा अनामिका उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। माँ, अनामिका आप लोग इस तरह से मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? पहले तो कभी नहीं किया ऐसा। हम तुम्हें अजूबा लग रहे हैं क्या? आपके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। क्या हुआ, किस बारे में बात करना है माँ, बताइए। और कब तक ऐसी जिंदगी काटनी होगी, और एडजस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है।
देखो हमारे पड़ोसियों को, दिन ब दिन उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, पर हम कितने तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी कब बेहतर होगी तुम इतना बता दो। तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ जो एटीएम का चौकीदारी करता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से हमें घर चलाना होगा। बस इतना ही? उतने कम पैसों में आप कितने दिन काम करोगे? आपको अच्छा पैसा नहीं कमाना है क्या? अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलनी है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? अभी अभी मैं काम से आया हूँ, मुझे परेशान मत करो अपनी बातों से। थोड़ी देर के लिए शांति में छोड़ दो। शारदा अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में अनामिका और शारदा बहुत चिंतित हो जाते हैं। रमेश की बातें उन्हें बहुत बुरी लगती है। रोज रोज एटीएम के पास बैठ के उन पैसों को देखते देखते लगता है इनका पैसे से मोह माया ही खत्म हो गया है। धन देखकर तो उसे पाने की चाहत होती है, पर इसके मन में तो कोई हलचल ही नहीं होती है। अनामिका शारदा खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रमेश बीमार हो जाता है, वो अपने काम पर नहीं जा पाता है। अनामिका मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारा घर नहीं चलेगा, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ एटीएम आना होगा। मैं वहीं पे थोड़ी देर सो जाऊंगा, उस वक्त अगर तुम थोड़ा ख्याल रखो तो वही काफी है मेरे लिए। तुम आओगी ना मेरे साथ? आऊंगी जी, आपकी सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं जरूर आपके साथ जाऊंगी। उस दिन अनामिका अपने पति के साथ वहाँ पर जाती है। एटीएम देखकर उसके मन में आशा की किरण जगती है। सोचती है अगर एटीएम वो चोरी कर ले तो उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और वो देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे। रात भर इसी तरह वो एटीएम को घूरती ही रहती है। अगले दिन सुबह सुबह वो जब घर लौटती है तो अपने प्लान के बारे में अपनी सासू माँ से कहती है। सासू माँ, उस एटीएम में बहुत पैसे हैं, मैंने देखा है। अगर कैसे भी हम उसे ले आते हैं तो हम अमीर बन सकते हैं। कैसे भी करके हमें उसे अपना बनाना ही होगा। सासू माँ। बेटा, अगर हम एटीएम चोरी करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। कैसे होगा बेटा? मैंने सब सोच रखा है सासू माँ। हम इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे, लगता है उन्हें भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। फिर मैं एक राउडी से बात करूंगी जो एटीएम चोरी करेगा, उसे भी हम कुछ पैसे दे देंगे। क्या कहती है आप? सबको हिस्सा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, और पता चलते ही रमेश चुपचाप बैठेगा। इसीलिए मैंने उन्हें छुट्टी लेने के लिए कही है। जिस दिन वो काम पर नहीं जाएंगे उसी दिन हमें चोरी करनी होगी। देख लो, जो भी करो बस हमारे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी सासू माँ। फिर अनामिका ने जैसा सोचा था उसने गुंडों से एटीएम की लूट मारी करवाई। फिर भाड़े के गुंडे और इंस्पेक्टर के सामने उस एटीएम को खोला जाता है। उस एटीएम में बहुत पैसे थे। उसमें से पैसे लेके वो इंस्पेक्टर को हिस्सा देती है और कुछ पैसे भाड़े के गुंडों को दे देती है, और बचे ढेर सारे पैसे सास बहू के हो जाते हैं। इंस्पेक्टर लूट का केस दर्ज करा देते हैं और बिना हाथ गंदे किए सास बहू एटीएम को लूट लेते हैं। सासू माँ, आपने देखा हमारे पास कितने पैसे आ गए? बहुत बढ़िया बेटा, हाथ गंदे किए बिना सब हो गया। अपने पति को बस भनक लगने मत देना। शारदा अनामिका ऐसे छुप छुपा के चोरियां करती थी और उन्हीं पैसों से अपने मन पसंदीदा चीजें खरीद लेती थी। रमेश से वो कहते थे कि अनामिका ने लॉटरी में पैसे जीते हैं। रमेश को वो नौकरी छोड़ने को कहते हैं। फिर वो उन्हीं पैसों से एक छोटा सा दुकान खोलते हैं जो रमेश और अनामिका दोनों मिलके चलाते हैं। शारदा भी अपनी सारी मनोकामना पूरी करने लगी। उसे जो जो खाने का मन होता था वो सभी आनंद से खाने लगी। सास बहू कभी कभार सब इंस्पेक्टर की सहायता से लूटपाट कर लिया करती थी और पति रमेश को इस बात की भनक नहीं लगने देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पैसों से वो लोगों की मदद भी किया करते थे और खुशी खुशी जीवन बिताते थे।